मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं आपसे दूसरी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजियत की टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ग्ली, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश भी। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते हैं राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी। एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी माँ को, मेरी दादी माँ की उम्र है 75 साल। मैंने कहा दादी माँ तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों, जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमरीका, और अमरीका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते हैं। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है, दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है, ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस। क्यों, क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पर नहीं लिखती कि ये टूथपेस्ट कैसे बनाया। और ये भी जान लीजिए किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को ISI मार्क नहीं है, कॉलगेट को ISI मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को ISI मार्क नहीं, क्लोजअप को ISI मार्क नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट हैं। क्यों है ये रद्दी, ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं रोज सवेरे ही सवेरे उठ के मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन, माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट में। क्यों डालते हैं, झाग बनाने के लिए। हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट, तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा, एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या? ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहां है? बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन। जानते हैं क्यों? नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारी प्रकृति में 3-4 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, तुलसी, नीम, पीपल और बड़। तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। नीम को घर के दरवाजे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। उस नीम के दातुन में है ऑक्सीजन, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, हमें हमेशा जरूरत है ऑक्सीजन की। तो आप नीम का दातुन करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, और उससे भी बढ़िया एक दूसरा काम होता, जितनी देर आप नीम का दातुन चबाएंगे उतनी देर आपके मुंह में लार बनेगी, सलाइवा बनेगा, और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा।
और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती। पेट की गड़बड़ी को दुरुस्त रखने में नीम के दातुन से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं। तो आप नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, अमरीका में, जर्मनी में इस समय कैंसर की सबसे अच्छी दवा नीम से बनती है, लेकिन अमरीका में नीम नहीं है, होता ही नहीं है वहां, जर्मनी में भी नहीं होता। तो कहां से जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। यहां से जाता है नीम, उसमें से निकालते हैं नीम का तेल, उससे बनाते हैं दवाएं, और वो दवाएं पता है अमरीका में किस भाव में बिकती है? नीम से बनाई हुई अमरीका में कैंसर की एक गोली 980 रुपए की है इस समय। और अमरीका की वो कंपनी क्या सोचती है कि उनके देश में तो नीम होता नहीं, तो हिंदुस्तान में नीम होता है, तो उसने क्या किया, नीम पर पेटेंट करवा लिया। और नीम पर पेटेंट करवा के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमरीका के उस पेटेंट को हिंदुस्तान में भी मान्यता दे, तो हमारा सारा नीम उनके कब्जे में चला जाए। आपको मालूम नहीं है बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है। और ये मालूम क्यों नहीं है? जब से घर में इडियट बॉक्स आया है, जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं, वो कभी जाहिरात नहीं देता नीम के दातुन की। कॉलगेट की जाहिरात रोज आती है, दिन में 50 बार आती है, 100 बार आती है, लेकिन नीम के दातुन की कभी नहीं आती। जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही कभी नहीं बताता। और हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में हजारों साल से यह नीम का दातुन होता आया, आज हमने मान लिया कि वो बेवकूफी है। अब स्मार्टनेस किसमें है? जानवरों की हड्डियों का चूरा रगड़ने में स्मार्टनेस, और बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन करने में बेवकूफी लगती है। इसलिए आप करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन। एक बार मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी ने कहा, राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, हम सब नीम का दातुन करेंगे, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान का नीम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 96 करोड़ लोग हैं इस देश में, सब नीम का दातुन तोड़ेंगे तो ये तो खलास हो जाएगा। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वही आपको कह रहा हूं कि नीम खत्म नहीं होगा अगर हम एक छोटा सा काम और करें। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चों के जन्मदिवस आते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती खरीद लाते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से उसको जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाते हैं? भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। हम क्या कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसी के मरने की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये आया कहां से है? अंग्रेजियत से आया है ये तंत्र। तो इस बेवकूफी की अंग्रेजियत को छोड़िए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, घी के दीपक जलाइए, बुझाते नहीं है। भारतीय संस्कृति में दीपक जलाया जाता, तो दीपक जलाइए। और एक दूसरा छोटा सा काम और करिए कि अपने बच्चे के नाम से उसके जन्मदिन पर एक नीम का पौधा लगाइए। तो आपके अगर मान लीजिए एक बच्चा है और उसके 50 जन्मदिन आए, भगवान से मैं तो कहता हूं कि 100 आए, लेकिन अगर 50 भी जन्मदिन आए तो वो 50 नीम के पेड़ लगाएगा। और हिंदुस्तान में 96 करोड़ की आबादी है, हर साल 96 करोड़ नीम के पौधे लगेंगे। और आपको मालूम नहीं है, एक नीम का पेड़ अगर 10 साल तक खड़ा रहे, उसको कोई काटे नहीं, तो 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता। तो अगर हमारे बच्चे ने 50 नीम के पेड़ लगाए अपने पूरे जीवन में, तो 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पैदा होगी। इतना बड़ा काम होगा, और वो ऑक्सीजन काम किसके आएगी? हमारे। और नीम का दातुन हम सबको मुफ्त में मिलेगा। दातुन को कभी भी एक बार करके मत फेंकिए, एक बार किया उसको काट के पानी में डाल के रखिए, दूसरी बार भी काम आएगा। एक दातुन को मैं कम से कम 1 हफ्ते चलाता हूं। एक बार मैं ये बता रहा था तो IIT का एक स्टूडेंट खड़ा होगा, कहने लगा क्या राजीव भाई उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, एक दातुन को बार बार कैसे करें, गंदा नहीं लगता? तो मैंने कहा भाई जरा ये बता कि एक टूथब्रश को कितनी बार करता हूं। एक बार किया धो के रख दिया, दूसरी बार किया धो के रख दिया, तीसरी बार किया धो, तो एक टूथब्रश को सालों साल करता तो गंदा नहीं लगता। नीम का दातुन 2 बार कर रहा है तो थोड़ा गंदा लगता है। कहने लगा राजीव भाई सच्ची में अपना दिमाग घूम गया है। मैंने कहा घूमे हुए दिमाग को सीधा कर ले फिर।
और इसलिए आप दातुन खरीदिए। जो लोग दातुन नहीं कर सकते उनके लिए एक दूसरी बात, और इसके पहले एक छोटी सी बात और। एक बार मैंने हिसाब लगाया, पूरे देश में परदेशी कंपनियों का जितना टूथपेस्ट बिकता है और टूथब्रश, करीब 450 करोड़ रुपए का है। और ये 450 करोड़ रुपया हम दे देते हैं परदेशी कंपनियों को। अगर इतने रुपए का नीम का दातुन बिके या बबूल का दातुन बिके तो जानते हैं क्या होगा? कम से कम 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए कभी बंबई में, हर स्टेशन के बाहर नीम का दातुन बबूल का दातुन बिकता, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, सवेरे से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग हैं खरीदते हैं। कि अगर सब लोग उनका दातुन खरीदें तो पैसा उस गरीब के पास जाएगा और वो उस गरीब के माध्यम से किसान के पास पहुंचेगा। तो अगर ये व्यवस्था बने तो 4 लाख किसानों को हम रोजगार दे सकते हैं। माने 4 लाख किसान हिंदुस्तान में सिर्फ नीम का पेड़ लगाकर ही रोजगार पा सकते हैं। ये व्यवस्था हम चला सकते हैं। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू, वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें? क्योंकि ये जो उंगली होती है, दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी है। हिंदुस्तान का सैकड़ों करोड़ रुपया बचेगा, 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं।